पहले पंखा से हवा खिलाई है, पाँव धोए हैं। ओ पहले हवा क्या क्या किए, पाँव कब धोए हैं ना आपका? अनंत आ जा रहा है ना, हवा हवा आ रही है, एसी का जरूरत ही नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हैं आज व्हाट्सएप इतली और सभी अमाउंट से, तो मैं सुबह सुबह उठी हूँ, सब काम करके जल्दी जल्दी रेडी होके और सिंपल सा साड़ी पहनी हूँ आज के लिए, डार्क ब्राउन कलर का। तो मैं कैसे लग रही हूँ कमेंट जरूर करें। और हमने तो सब कुछ रेडी कर दिया पूजा का, अभी सब कुछ मैंने रेडी कर दिया और ये फैन भी ले लिया। जैसे यहाँ पे है कि बर्थ का डार्क तो है पर पूजा करने में नहीं बनता है, पंचकर्मा करने में। हम तो दोनों ही करते हैं, व्हाट्सएप इतली और सोमिया माउस तो दोनों एक ही दिन पड़ा और अच्छे ही बात है। और हमने तो सब कुछ रेडी कर दिया, बट का गाछ भी कल मेरे हस्बैंड टूटा के ला दिया था, उसको पीपल के गाछ में ही लगा के दोनों ही पूजा एक साथ ही कर लेंगे, सोमिया मौस भी और बट सावित्री दोनों ही हो जाएगा। अभी मैं पाव रंगा करने के लिए जा रही हूँ, तो आंसू और मिष्टी दोनों ही एक साथ रेडी हो गया कि फर्स्ट मुझे कर दो। तो अभी हम रंगने के लिए आया तो हमसे पहले दोनों चाहिए, दोनों को ही पहले पूरा 16 श्रृंगार करना पड़ेगा, तब माँ रेडी होगा, है ना? आप दोनों को मम्मी की तरह सोलह श्रृंगार पसंद है? हाँ, हम भी तो जाती है ना। आप भी पापा तो सिर्फ बॉय है, तो अंशु भी तो बॉय है, तो फिर अंशु क्यों लगा रहे? हो गया, दोनों को तो मैं लगा लिया, अभी मैं जल्दी जल्दी लगा ली तो टाइम भी हो रहा है ना, तो जल्दी से लगा के पूजा करने के लिए चलते हैं। तो गाइस पंचकर्मा करने के लिए 108 बार हमने बादाम और इसको मिक्स करके, मतलब 108 बार गिनती करके राख दे रहे हैं कि पंचकर्मा करने में थोड़ा आसान होगा उसको आंचल में ढालने में, तो हम 108 गिनती करके इसमें ढाल लेते हैं। तो गाइस अभी चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर में, पूजा वह करने के बाद में घर पे आते हैं। चलिए गाइस, पीपल का पेड़ को आ गए, अभी बर्ड जी का पूजा करना पड़ेंगे घर पे, तो चलिए अभी बर्ड जी का पूजा करते हैं, मतलब हस्बैंड जी का। अभी मैं थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, फिर हस्बैंड जी का पूजा करेंगे। तो गाइस अनु आ गई बाहर से पूजा करके, अब घर में करेगी, तो अब देखते हैं घर में कैसे करती है। बर्ड जी का पूजा करेंगे, बर्ड जी बर्ड का पेड़ का तो पूजा कर लिया, अभी बर्ड जी है ना, बर्ड जी का पूजा करेंगे। मुझे ये सब पता नहीं है, मतलब हस्बैंड जी। अच्छा, हस्बैंड जी की पूजा होगा। तो गाइस सबसे पहले हम हस्बैंड जी का पाव धो दें, पाव धो लेते हैं, हटा देते हैं। अभी सब के साथ देखिए आज कितना सेवा हो रहा है। हाँ। सेवा हो रहा है, देखिए कैसे सेवा करवाया जाता है। आज सेवा करा लीजिए हमसे, इसे ठंडा ठंडा हवा निकलेगा। ठंडा हवा जा रहा है ना, ठंडा हवा हवा रहा है, एसी का जरूरत ही नहीं है। तो
गाइस आज वट सावित्री है, किस तरह से सेवा की है, पहले पंखा से हवा खिलाई है, पाँव धोए हैं, और पहले हवा क्या क्या किए, पाँव कब धोए हैं ना आपका, पहले पाँव धोई है, उसके बाद फिर पंखा से हवा खिलाई है, उस बाद में देखे आप तो आज ऐसा होता है। आज का छोटा सा ब्लॉग था, तो गाइस वीडियो कैसा लगा लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब करें, और जो जो न्यू कपल इसका फर्स्ट बार वट सावित्री है वो कमेंट जरूर करें कि आपका पूजा कैसा गया, क्या हुआ, जरूर कमेंट करें। और हम लोग भी यहाँ पे किस तरह पूजा होता है कोई बताने वाला भी नहीं है, तो गलती सलती होने, और अनु रिसर्च करके पूजा की है, और पता नहीं ये सही की है या गलत है, ये मुझे भी पता नहीं है, माता रानी सब माफ करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिलता रहेगा, और बेल आइकन को क्लिक कर देना, और वीडियो को जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।